हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि स्त्री पार्ट 3 को देखने के लिए आपको स्त्री 2 की तरह 6 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अपडेट ही कुछ ऐसा है और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये मूवी इतनी जल्दी रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्त्री पार्ट 3 की रिलीज डेट बताने वाला हूं, साथ ही साथ मैं आपको स्त्री पार्ट 3 की कहानी भी बताने वाला हूं कि इसके पार्ट 3 में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्त्री मुंजिया भेड़िया के बाद में एक और कैरेक्टर पर इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में फिल्म बनने जा रही है। तो सारे अपडेट्स आपको आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ स्त्री 3 की रिलीज डेट के बारे में। तो काफी सारे लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि स्त्री 3 इतनी जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों, स्त्री मूवी के प्रोड्यूसर दिनेश बीजन ने ये कन्फर्म कर दिया है कि स्त्री 3 की जो स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी है। तो स्क्रिप्ट पहले से ही रेडी है, जबकि सबसे ज्यादा समय स्क्रिप्ट लिखने में ही लगता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि स्त्री पार्ट 2 की शूटिंग 10 जुलाई 2023 को शुरू हुई थी और 15 अगस्त 2024 को इस मूवी को रिलीज कर दिया गया, यानी कि करीब 13 महीने का समय लगा इस मूवी को रिलीज होने में। यानी कि सिर्फ 13 महीनों के अंदर इस मूवी की शूटिंग भी हो गई, इसकी एडिटिंग भी हो गई, इसका प्रमोशन भी हो गया और उसको रिलीज भी कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों, ये कोई कल्की की तरह 500-600 करोड़ की मूवी नहीं है जिसके अंदर हैवी VFX हो और बड़े बड़े सेट्स बनाए जाएं, क्योंकि दोस्तों ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और इन मूवीज को इतने ज्यादा समय नहीं लगता है शूट करने में। और इसकी स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है, तो मैं आपको इसकी रिलीज डेट भी बता देता हूं, जहां पर स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इस यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर का हिंट मिला था, जो कि नेक्स्ट ईयर 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है। और इसके बाद इस यूनिवर्स की अगली मूवी को रिलीज किया जाएगा, जो कि है भेड़िया 2, और जो कि 2025 में ही रिलीज कर दी जाएगी। और भेड़िया 2 में हमें वैम्पायर वर्सेस भेड़िया देखने को मिलेगा और इस मूवी की स्टोरी भी हमारे पास आ चुकी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम स्त्री 3 की। तो स्त्री 3 की जो डेट निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है अगस्त 2026, क्योंकि अगर मेकर्स इस मूवी की शूटिंग को एक साल बाद भी अगर शूट करेंगे तब भी इस मूवी को आसानी से अगस्त 2026 तक रिलीज किया जा सकता है। और इसका रीजन भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि शूटिंग, एडिटिंग और प्रमोशन इन सभी को मिलाकर भी ज्यादा में ज्यादा 1 से 1.5 साल का ही समय लगेगा। अब बात कर लेते हैं स्त्री के पार्ट 3 की कहानी के बारे में, या आखिर पार्ट 3 के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चंद्रभान के वंशज यानी कि अक्षय कुमार ने चंदेरी पुराण के कुछ पन्नों को फाड़ लिया था और समय आने पर उन पन्नों को विक्की और उसके दोस्तों के सामने भेज भी दिया था। फिर क्या, सरकटे को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसकी जो अस्थियां हैं वो लास्ट में अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास आ जाती हैं और उन अस्थियों से अक्षय कुमार के कैरेक्टर के अंदर वो सारी शैतानी शक्तियां आ जाती हैं और उसको पूरी तरह से सरकटे की सारी शक्तियां मिल जाती हैं। यानी कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है उसका भी एक अलग से मकसद है, वो भी बदला लेने के लिए आया है और उसको पहले से ही पता था कि सरकटे के मरने के सरकटे की सारी शक्तियां उसको मिलने वाली हैं, क्योंकि वो उसी का वंशज है। इसीलिए उसने विक्की और उसके दोस्तों को सिर्फ मोहरा बनाया है, क्योंकि चंदेरी पुराण का एक पन्ना अभी भी गायब था, जो कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने विक्की और उसके दोस्तों को कभी भी नहीं दिया। और उस पन्ने के अंदर लिखा हुआ था कि सरकटे के मरने के बाद सरकटे का क्या होगा, और सरकटे के मरने के बाद वही हुआ जो कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर चाहता था। वो अस्थियां उसके पास में आ गई और उन अस्थियों से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और जो मैडॉक्स सुपरनेचुरल यूनिवर्स के अंदर सबसे बड़ा विलन होने वाला है, वो डेफिनेटली अक्षय कुमार का कैरेक्टर ही होने वाला है, जहाँ पर वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, भेड़िया 2 और स्त्री 3 सारी की सारी मूवीज का सबसे बड़ा थानोस यानी कि सबसे बड़ा विलन अक्षय कुमार का कैरेक्टर ही होने वाला है। स्त्री 2 की एंडिंग में ही हमें पता चलता है कि स्त्री की बेटी है श्रद्धा और इसका नाम अभी तक हमें नहीं पता चला है, और इसकी मौत किस कारण से हुई थी और आखिर वो क्यों भटक रही है, वो क्यों छलावे की तरह विक्की और उसके दोस्तों को बार बार मदद पड़ने पर उनके सामने आ जाती है, और विक्की का कैरेक्टर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है कि हर बार चंदेरी के लोगों को बचाने के लिए वो आ ही जाता है, उसके अंदर क्या स्पेशल बातें हैं। उसका एक दोस्त है बिट्टू, जो कि सीधा सीधा वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर से कनेक्ट होने वाला है। दूसरा दोस्त है जना, जो कि भेड़िया से कनेक्ट करता है। और तीसरा है विक्की, जिसको फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई सुपरनेचुरल पावर तो मिलने ही वाली है, क्योंकि वो सीधा सीधा श्रद्धा के कैरेक्टर से कनेक्टेड है। और श्रद्धा का कैरेक्टर भी अपनी माँ की मुक्ति कराने तो वापस आया ही था, लेकिन उसका भी खुद का कोई ना कोई मकसद है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो खुद एक भूतनी बन गई, और उसकी भी एक स्टोरी है, जैसा कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर की भी एक पास्ट स्टोरी होने वाली है, वैसे ही श्रद्धा के कैरेक्टर की भी एक कंप्लीट स्टोरी होने वाली है। यानी कि जो मेन कैरेक्टर है स्त्री यूनिवर्स का, श्रद्धा कपूर का, उसी कैरेक्टर की स्टोरी अभी तक तो हमें बताई ही नहीं गई है। अभी तक जितनी फिल्में हमने देखी है इस यूनिवर्स में, वो सिर्फ एक बिल्डअप था
असली कहानी तो अभी बाकी है और स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी है पार्ट थ्री की, तो डेफिनेटली अगस्त के महीने में 2026 में स्त्री का पार्ट थ्री हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर अगस्त 2026 तक ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई तो 2026 के लास्ट तक तो ये मूवी 100% रिलीज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी थ्योरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।